हाय, वेलकम टू तान्यास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी मंचूरियन। खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स में चाहिए 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस चाहिए, 1 हमें कैप्सिकम चाहिए बारीक कटी हुई, 1 प्याज बारीक कटा हुआ चाहिए, स्प्रिंग अनियन चाहिए थोड़ा सा, और गोभी चाहिए हमें कटी हुई 1 मीडियम साइज़ की, और 1 टेबलस्पून हमें ब्लैक पेपर चाहिए, काली मिर्च यानी कि, और 2-3 टेबलस्पून हमें मैदा चाहिए, और 1 से 2 स्पून हमें कॉर्नफ्लावर चाहिए, और नमक जो है हमें टेस्ट के अनुसार, और 1 टेबल स्पून चीनी, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून विनेगर, और थोड़ी सी 1 टेबल स्पून टमाटो केचप, और ऑयल चाहिए हमें डीप फ्राइंग के लिए। सबसे पहले हमारा है मेथड बनाने का। हम कॉर्नफ्लावर मैदा कॉर्नफ्लावर और ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च काम बैटर बना लेंगे। ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। और थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें। बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें गोभी डालेंगे। और पूरा बैटर जो है इसके ऊपर आ जाना चाहिए। अब हम गैस ऑन करेंगे। और ऑयल डालेंगे, डीप फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें गोभी डालेंगे। अब हम इसको पलटेंगे। ये गोभी अब हमारी पूरी फ्राई हो चुकी है। इसको ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए इसको हम डबल फ्राई करेंगे। अब हम इसको टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे।
इसको अब साइड में रख देंगे हम। अब दूसरा पैन लेंगे हम। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसमें। अब हम इसमें गार्लिक डालेंगे, लहसुन, जिससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, फिर जिंजर डालेंगे और इसको 2-3 मिनट तक हम भूनेंगे। जिंजर और गार्लिक जो है हमारा थोड़ा सा पक गया, भी ब्राउन हो गया। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज को ज़्यादा हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, हल्का सा ट्रांसपेरेंट करना है। सेकेंड तक बस इसको से भूनना है हमें। अब हम इसमें ग्रीन चिली सॉस डाल देंगे। और बेल पेपर यानी कि शिमला मिर्च को डालेंगे। बारीक बारीक काटनी है ताकि अच्छी तरह से उसके ऊपर गोभी के ऊपर आ जाए। दो तीन मिनट तक हम इसको भूनेंगे। अब इसमें सोया सॉस डाल देंगे। टमाटो केचप ज़्यादा नहीं डालेंगे। हमारा ये भून चुका है, अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसमें आप अजीनोमोटो डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन हमने नहीं डाला है। विनेगर डालेंगे। एक पिंच अजीनोमोटो डाल सकते हैं आप। ग्रीन चिली डालेंगे। और थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, क्योंकि सॉल्ट सोया सॉस में भी होता है और ग्रीन चिली सॉस में भी होता है, इसीलिए ज़्यादा नहीं डालेंगे हम। अब इसमें हम गोभी डाल देंगे। और इसको पूरा अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि उसका पूरा मिक्सचर जो है वो ऊपर आ जाए। इसको सॉस जो है पूरी गोभी के ऊपर अच्छी तरह से मिक्स हो जानी चाहिए। अगर आप डार्क ज़्यादा करना चाहते हैं तो सोया सॉस थोड़ी और भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा विनेगर हम खट्टापन दूर करने के लिए शक्कर डालेंगे। एक टेबलस्पून चीनी, अब इसमें
स्प्रिंग अनियन डाल देंगे थोड़े से, तो 2-3 मिनट तक चलाएंगे हम। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ये हमारा रेडी हो चुका है गोभी मंचूरियन। अब हम इसको सर्व करेंगे, रेडी हो चुका है, अब हम इसको सर्व करेंगे। ऊपर गार्निश के लिए स्प्रिंग अनियन थोड़ा सा डाल देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।